बात ये है कि बुलंद को बशर और रुदाबा के बारे में पता चल गया। पता क्या चल गया? उसने उन दोनों को साथ में देख लिया and they were really close with each other. वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया and that's why he left without even meeting us. किसने कहा है तुमसे ये सब कुछ? रुदाबा ने। बशर और रुदाबा आपस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे। रुदाबा ये बात क्लियरली बुलंद से कह नहीं पा रही थी, उसे क्लियरली ना नहीं कह पा रही थी। जाहिर है बशर अपसेट हो गया। जब उसे मनाने के लिए गई है तो वो कुछ उसे बहुत ज्यादा प्यार से मना रही थी, बुलंद ने देख लिया एंड ही गॉट इन्फ्यूरिएटेड। और उसके बाद तुम्हें पता है कि रुदाबा ने क्या किया? वो उल्टा बशर से नाराज होकर बैठ गई बिकॉज उसको लगने लगा कि बशर की वजह से वो बदनाम हुई है। उसे लगने लगा कि अंकल ने जो रिश्ता उसके लिए तय किया था वो बशर की वजह से टूट चुका है और अब उसने बशर से साफ साफ कह दिया कि वो उससे भी शादी नहीं करेगी। किसने बात की है रुदाबा से रिश्ते की? इस वाकये के बाद बशर ने उसको प्रपोज किया था। रुदाबा बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो बुलंद के सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। उफ, ये लड़कियां अपने हीरोइन पने में ये बिल्कुल भूल जाती हैं कि वो अपनी फैमिली को कितनी तकलीफ पहुंचा रही हैं और उन्हें कितना लेट डाउन कर रही हैं। इससे पहले कि बुलंद उसको पूरी दुनिया के सामने जलील कर दे और बातें बनाना शुरू कर दे और उसको रिजेक्ट करे, हमें चाहिए कि हम बशर और रुदाबा की शादी करा दे। आदिल, कहां जा रही हो तुम? बात करनी उससे। क्या तमाशा लगाया था उसने यार। नहीं, तुम उससे बिल्कुल भी बात नहीं करोगे। क्या हो गया है तुम्हें? आदिल, वो तुम्हारी छोटी बहन है। भाई अपनी बहनों से इस तरह के मौजू पे बात नहीं किया करते। वो बिन माँ बाप की बच्ची है, उसे पता है क्या लगेगा? उसको लगेगा कि तुम मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू ओवरपावर हर। डोंट डू दैट। क्या हो गया रुदाबा को? वो ऐसी तो कभी भी नहीं थी। तुम्हें कैसे पता कि वो कैसी है? उसे तुम्हारे साथ कितना टाइम स्पेंड किया है, कितना हमारे साथ में रही कि तुम उसको जज कर पाओ? उसकी नेचर को अंकल ने कुछ तो देखा होगा ना, कुछ तो उनको गट फीलिंग हुई होगी कि उन्होंने फौरन उसकी मंगनी करा दी कि भैया ठिकाने लग जाए, अपने घर में सेटल हो जाए। एंड देन यू नो व्हाट, बशर इज अ गुड लुकिंग गाय। उसके पास पैसा है, ही इज गॉट द लुक्स, ही इज गॉट द स्टाइल। कोई भी लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है, राइट? लोट टके का करके रख दिया गया मुझे। क्या सोचता होगा बशर मेरे बारे में? कुछ भी नहीं सोचता है। जो भी सोचता है अच्छा सोचता है। वो पहले भी तुम्हारी इज्जत करता था, वो आज भी तुम्हारी इज्जत करता है, जान देता है वो तुम पे। उसने कभी भी तुम्हें गैर नहीं समझा। तुम उसकी मोहब्बत को समझने की कोशिश करो प्लीज। वो आज भी हमारे साथ खड़ा है। बुलंद हमें छोड़ के चला गया बट ही इज स्टिल विद अस और रुदाबा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तुम उसकी आजिज़ी को प्लीज समझने की कोशिश करो प्लीज। आदिल, प्लीज थिंक अबाउट इट। पर बशर भाई, ये सब तो झूठ है। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मैं मोहब्बत कर रहा हूं और अपनी बहन के लिए जंग लड़ रहा हूं। तैयारी करो जाके, कल तुम्हारे इकलौते भाई का निकाह, उसकी तैयारी नहीं करनी। लेकिन आदिल भाई अभी माने नहीं है। रेशम रिवाज पे जाओ और रुदाबा के लिए कोई अच्छा सा ब्राइडल ड्रेस सिलेक्ट करो। सारा के लिए, अपने लिए और फरीजे के लिए भी वहीं से ले लेना। लेकिन उनसे कहना कि मुझे ये सब कुछ एक दिन में चाहिए। कीमत उनकी मर्जी की और वक्त मेरी पसंद का। नादिया छुटानी से बात हो गई है, उसका बंदा आके ज्वेलरी ड्रॉप कर देगा, वो रिसीव कर लेना। और
सेफ। बशर और रुदाबा आपस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे। रुदाबा ये बात क्लियरली बुलंद से कह नहीं पा रही थी, उसे क्लियरली ना नहीं कह पा रही थी। जाहिर है बशर अपसेट हो गया। जब उसे मनाने के लिए गई है तो वो कुछ उसे बहुत ज्यादा प्यार से मना रही थी। बुलंद ने देख लिया एंड ही गॉट इन्फ्यूरिएटेड। इस वाक्य के बाद बशर ने उसको प्रपोज किया था। रुदाबा बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो बुलंद के सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। ये लड़कियां अपने हीरोइन बने में ये बिल्कुल भूल जाती हैं कि वो अपनी फैमिली को कितनी तकलीफ पहुंचा रही हैं और उन्हें कितना लेट डाउन कर रही हैं। इससे पहले कि बुलंद उसको पूरी दुनिया के सामने जलील कर दे और उसको रिजेक्ट करे, हमें चाहिए कि हम बशर और रुदाबा की शादी करा दें। आदिल सुबह सुबह ऑफिस ऐसे बस आपकी मेहरबानी हासिल करने के लिए चला आया। अच्छा याद है आप छोड़ो बैठो मैं स्विट्जरलैंड के पास। नहीं 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 कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे बिजनेस में मैं कभी भी नहीं बोलता। अच्छा लेकिन डिटेल्स मीटिंग्स तुम करते हैं। हाँ इस चीज का फैसला भी मैंने तुम पे छोड़ा अपनी जिंदगी के फैसले की तरह। मैंने अभी कुछ सोचा नहीं। सोचा नहीं मुझे जानते नहीं हो या जानना नहीं चाहते हो मेरे बारे में। तुम्हारे जैसा ही हूं मैं। जितनी आमदनी तुम्हारी है उससे जरा सी ज्यादा मेरी है। जिस तरह तुम अपनी फैमिली से मोहब्बत करते हो उस तरह मुझे भी अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत है। आई एम नॉट अ वुमनाइजर। तुम्हारी तरह मेरा भी यही ख्याल है कि जिंदगी एक ही औरत के साथ गुजारनी चाहिए और उसी के साथ घर भी बसाना चाहिए। और फर्क सिर्फ ये है कि तुम्हें अपनी सोलमेट 10 साल पहले मिली थी और मुझे अपनी दी है। मुझे तुम बहुत देर से बहुत उजलत में फैसला। देर कैसी है? एक ऐसी मंगनी जिसे करने वाला यहाँ मौजूद ही नहीं है। गुमनाम लड़का जो मुश्किल से 1.5 महीना तुम्हारी बहन के साथ रह के गया है, वापस आकर उससे शादी करेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। बशर मुझे एक दफा रुदाबा से पूछ, मैं उसकी मर्जी जानना चाहता हूँ। उसका रजामंद होना बहुत जरूरी है। उसका राजी होना क्या मतलब? अगर वो राजी हो जाए तो बचपना है उसके अंदर, कंफ्यूज है वो मुझे और बुलंद को लेके। क्योंकि एक तरफ वो लड़का है जिससे उसके बाप ने उसकी मंगनी की और एक तरफ मैं जो उसके दिल का फैसला है। अगर तुम्हारा वोट मेरी तरफ चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा। तुम इतना नहीं कर सकते मेरे लिए। तुम कहना क्या चाहते हो बशर? मेरी बहन तुम्हें और बुलंद को एक ही टाइम पे एंगेज की हुई थी। रुदाबा के बारे में इस तरह का एक लफ्ज नहीं सुन सकता मैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि उसके अंदर का बचपना है, उसकी कंफ्यूजन है जिसे तुमने दूर करना चाहिए। बुलंद की तरह मैं उसे कोई अल्फाज नहीं कह सकता। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि बुलंद उसे मेरे नाम से रुसवा करके छोड़ देगा और अगर कहीं उसने जबरदस्ती उसे शादी कर भी ली तो तुम लोगों से बहुत दूर ले जाएगा। एक अनजान लड़का जो कि अमेरिका में रहता है, जिसके बारे में ना तुम लोग जानते हो ना मैं, वो क्या सलूक करेगा उसके साथ वहां ले जाके? तो फिर भी उससे शादी करना चाह रहे हो? आए दिन मुख्तलिफ केसेस आते हैं उसके बावजूद। ठीक है बशर, मैं रुदाबा से बात कर लूं फिर देखते हैं। आदिल जो कुछ बुलंद यहां पे देख के गया मेरा नहीं ख्याल कि वो वापस आएगा। और खौफ और शर्म के मारे रुदाबा इस चीज को कभी तस्लीम नहीं करेगी। उन दोनों को कई बार मैं एक साथ देख चुका हूं लेकिन वो सब चीजें फरामोश करने के बाद मैं यहां तुम्हारे ऑफिस में खड़े होके तुमसे ये बात कर रहा हूं। तुम्हारे घर आके इसलिए बात नहीं की क्योंकि तुम्हें यह ना लगे कि मेरी बहन की दी हुई छत है जहां पर मैं तुम पर रोक डालना चाह रहा हूं। तुम्हारे ऑफिस में खड़े होकर तुमसे बात कर रहा हूं जहां पे तुम 35% के शेयर होल्डर, तुम अपनी शानदार हैसियत के साथ इस चीज का फैसला कर सको। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा फैसला अभी और इसी वक्त, हाँ या ना, मगर अभी। और ये ख्याल दिल में मत लाना कि अगर तुमने ना की तो सब कुछ तुम्हारे दस्तरस से चला जाएगा। मैं खुद भी ऐसा भाई हूं जो अपनी बहनों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। और हाँ इसलिए मत कहना
कि मेरी और तुम्हारी बहन की जब शादी होगी तो बिजनेस कम्युनिटी में मैं और तुम 50-50% के पार्टनर होंगे। एक हकीकत तो है कि जब आप बीवी से मोहब्बत करते हैं तो उसके हर रिश्तेदार से ऑटोमेटिकली आपको मोहब्बत हो जाती है। आदिल, मैंने और तुमने बहुत सारा वक्त साथ गुजारा है, उसे याद करके फैसला करो। जिस नाजुक मोड़ पे आज तुम और तुम्हारी बहन खड़े हो उसे सोच के फैसला करो। मेरे दिल में जो रुधावा के लिए मोहब्बत और कदर है उसको महसूस करके फिर जवाब देना, नफा और नुकसान को माइनस करके हाँ या ना कहो, लेकिन मुझे फैसला अभी और इसी वक्त चाहिए यहां पे। मुझे हाँ कहने के लिए इतना सोच रहे हो या बुलंद के इनकार का इंतजार कर रहे हो? बशर, ये फैसले इतनी जल्दी में नहीं होते। तब जब दोनों फरीक हैं अजनबी, कम से कम मुझे रुदाबा से तो बात कर लेना चाहिए, ये उसकी जिंदगी का बहुत अहम फैसला। हम सबकी जिंदगियों का अहम फैसला है ये रिश्ते टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, ये बिजनेसेस अलग हो सकते हैं, हम दोनों फिर वहीं पे आके खड़े हो सकते हैं जहां ना मैं तुम्हें जानता था और ना तुम मुझे। रुदाबा की सूरत में कुदरत ने मुझे एक हसीन तोहफा दिया है, वो छीनना चाहते हो मुझसे। 10 साल से जानते हो तुम मुझे, आज तक कभी किसी लड़की का नाम सुना मेरे मुंह से या कोई लड़की मेरी जिंदगी में आई? मेरी जिंदगी की पहली मोहब्बत है रुदाबा, उसे छीनना चाहते हो मुझसे, मुझे तड़पता हुआ छोड़ना चाहते हो। आदम, मैं कोई अपने एहसानात नहीं जता रहा हूं, लेकिन जितनी मेहरबानियां मैंने तुम पे की हैं उसके बस एक हाँ नहीं है तुम्हारे पास मेरे लिए। इंतजार कर रहे हो उस चीज का कि जब बुलंद तुम्हें धतकारेगा तो तुम मेरे पास रोते हुए आओगे। अफसोस हुआ यार कि जिस शख्स को मैंने हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दी उसने मुझे ही सेकेंड ऑप्शन बना दिया। बशर, कहाँ जा रहे हो इस तरह नाराज होके? जब मैं तुम्हारा बहनोई बनने के लायक नहीं हूं तो बिजनेस पार्टनर बन के क्या करूंगा? ये तो हम सब जानते हैं कि ये बिजनेस तुम्हारा है। कभी इस चीज का एहसान जताया मैंने तुम्हें? कभी कहा इस बारे में कुछ? तुम बैठो तो सही प्लीज। फायदा, तुमने कौन सा हाँ कह देना है? तुम जानते हो कि मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। So you mean? पहले नहीं बोल सकता था, खामखा इतनी बकवास सुनी मेरी। यू नो यू मेड माई डे, यू मेड माई लाइफ। इधर आ। अब देख खान, खान सब में मिठाई तकसीम करवा और लाख लाख रुपए बोनस मेरी तरफ से। कंग्रेचुलेशन सर। अच्छा, इतनी जल्दी अनाउंसमेंट? जल्दी कैसे, उम्र देख गुजरती जा रही है मेरी, मेरा बस चले तो शायद इससे भी ज्यादा जल्दी करो। चल अब काम छोड़, मेरे साथ चल। मुझे ऑफिस में काम करना है। अरे दफा कर, काम होता रहेगा, मेरी खुशी है जिंदगी की सबसे बड़ी। चलो और तुम सबकी भी छुट्टी, जाओ जाके एंजॉय करो। चलो अदनान, ये सारा सामान अंदर रखो, ठीक है? चलो चलो। बशर, Bashar, congratulations! Thank you, thank you. बहुत मुबारक भाई, I'm so happy for you. Thank you so much. Adil, thank you so much. ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हारी एहसान मंद हूँ. Thank you, you're so great. नजर ऊपर से हूँ. आप तो तुम्हें ऊपर जाने की किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, जाओ. नहीं, मैं दरअसल मैं रुदाबा को खुद मुबारकबाद देना चाह रहा था, मैं होके आता हूँ. बशर, वो मैं सोच रहा था कि पहले रुदाबा से मैं बात कर लूं। मुझसे नाराज, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे आने से पहले मैं उसे मना चुका।
रखो रुदाबा। आप यहाँ क्या कर रहे? अरे मुबारकबाद देने आया हो तुम्हें अपनी मम्मी। मेरे कमरे में आई कैसे? जाई यहाँ से प्लीज। आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप मेरे कमरे में आ गए? ये आपका घर नहीं है कि अपना मुंह उठा के जिसकी मर्जी कमरे में चले जाए। जाई यहाँ से। रुदाबा, ये घर भी हमारा है और ये प्रॉपर्टी। जब मेरी बहन की शादी हुई थी तो तुम्हारी ननंद की जब शादी हुई थी तो ये मैंने उसे लिया। प्लीज ऐसी बातें ना करें। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को भाई, मुंह मीठा करो। हमारी मंगनी हो चुकी। जी नहीं, मेरी मंगनी हो चुकी है। हाँ तो मेरी भी तो मंगनी हो चुकी है। मैं क्या करूं? अरे तो तुमसे हुई है ना मेरी जान। नहीं हुई, मैं नहीं मानती ऐसी मंगनी को। मेरी मंगनी बुलंद के साथ हुई है। और बुलंद तो हमारा एक्सट्रीम रोमांटिक सीन देख कर यहाँ से भाग गया। प्लीज फॉर गॉड सेक उस बात को भुला दे, बहुत बड़ी गलती थी वो। मैं तो भुला दूंगा लेकिन बुलंद नहीं भुला पाएगा। भुला पाएंगे, I'm telling you, वो भुला पाएंगे। मैंने उन्हें ईमेल लिखी है, उसमें आपके बारे में सब कुछ बता दिया मैंने। वो मेरा यकीन करेंगे, वो इधर आएंगे and I promise वो मुझे अपने साथ लेके जाएंगे। ये क्या मजाक कर रही हो तुम? आप जा रहे हैं या मैं अपने भाई को बुलाऊं? रुदाबा, आवाज धीमी रखो अपनी। भाई आपको पता है इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? कितना परेशान किया मुझे। They treated me so horribly, भाई। And इन्होंने मेरे और बुलंद के बीच में इतनी गलत फहमियां क्रिएट की। बुलंद मुझसे नाराज होकर भाई अमेरिका चले गए। और अब इनकी हिम्मत देखें, आपके घर में आके मुझे कह रहे हैं कि मेरी इनसे मंगनी हुई हुई है। ठीक कह रहा है वो। ठीक कह रहा है भाई, मेरी तो बुलंद से मंगनी हुई हुई है। वो अब्बा का डिसीजन था, उनकी पसंद थी और ये मंगनी मैंने तुम्हारी पसंद से की है। भाई आपको किसने कह दिया कि ये मेरी पसंद है? जो बुलंद देख कर गया और बता के गया, क्या वो झूठे गलत है वो? भाई वो एक महज गलत फहमी थी। बस कर दो रुदाबा, ये तमाशा बंद कर दो। आप दो दो मत, तुम्हारी मोहब्बत में कंफ्यूजन का शिकार है। शर्म करो कुछ, बचपना कितना भी हो इज्जतों से नहीं खेला जाता। मैंने तो अभी तक भाई बनके तुमसे शिकवा भी नहीं किया। जिस खामोशी और सब के साथ मैंने सब कुछ सहा है ना, उसी एहतराम और मैच्योरिटी के साथ तुमने मेरा फैसला कबूल कर लो। कब रात तुम्हारा निकाह इसके साथ और कुछ ही दिनों में तुम्हारी रुखसती भी होगी और मैं इसके बाद एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा। आदिल बस। इस अंगूठी को उतार के फेंक देना, क्योंकि आज से तुम सिर्फ मेरे नाम की अंगूठी पहनोगे जो इससे ज्यादा महंगी है। बशर भाई, I didn't know आप इस शादी के लिए इतने excited हैं। आपने इतनी जल्दी सब कुछ करवा दिया। Well, that's not a surprise। तो मैं याद नहीं कि जब मेरी शादी होने वाली थी तो इसने कैसे आनन-फानन सारी preparations करा दी थी। और आदिल भाई आपके preparations कहाँ पहुँचे? I think the preparations are in full swing। Yeah, yeah। भाई जिस घर में रुदाबा हो उसमें आदिल तैयारियां ना करवाए ऐसे कैसे हो सकता है? और तुमने ये क्या आप जनाब करना शुरू कर दिया है? अरे लड़की हमारे घर की है, लड़का भी हमारे घर का है, घर वाली बात है। As simple as that. All right, I'm really sorry. तुम तो आदिल भाई को ऐसे defend करी हो जैसे तुम उनकी बीवी नहीं, उनकी अम्मी हो। You know, तैयबा, एक
अच्छी बीवी की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि वो अपने शौहर को माँ बन के प्रोटेक्ट करती है, उसकी गलतियों पे पर्दा डालती है और उसकी छोटी बड़ी खूबियों को इस तरीके से हाईलाइट कर देती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आदिल का एहसान मंद होना चाहिए, बहुत बड़ा एहसान किया है इसने। इसीलिए तो मैं इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। Now you understand why? Okay, okay, I get it. आदिल भाई इस दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड है, ideal husband, alright? Yes, he is ideal, perfect, loving husband. And I can guarantee you कि जिस तरह मेरा शोहर मुझसे मोहब्बत करता है ना, उस तरह दुनिया का कोई भी शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं कर सकता। But I have a feeling हमारा भाई करेगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि जितना प्यार मैं बशर की बहन से करता हूँ उतना ही प्यार बशर भी मेरी बहन से करे। इससे ज्यादा ही होगा। तुमने शैला को फोन किया? हाँ, वो कह रही थी कि रुदाबा को थोड़ा पहले पार्लर भेजना पड़ेगा। तैयबा, तुम आधी बात क्यों सुनती हो? मैंने तुमसे कहा था कि शैला को फोन करके कहो कि रुदाबा का मेकअप हमारे घर में करे, हम लोग भी वहीं पे तैयार हो जाएंगे, वैसे भी इट्स अ स्मॉल गेट टुगेदर। एंड हैव यू सेंट आउट द इनविटेशंस? इनविटेशंस की जरूरत नहीं है, खान को मैंने लिस्ट दे दिया, वो सबको कॉल करके बुला लेगा। ये निकाह भी तो इतना आनन फानन हो रहा है ना, मैंने अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट नहीं किया। ओके, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला कर लेते हैं, तुम दो चार जो खास दोस्त हैं उनको बुला लो। That's true. वैसे भी दुल्हन का भी मूड खराब है, तो when she's feeling a little better, we can have a grand celebration, right? है ना? Okay. So then I guess it's all set. Adil, I think I need a vacation so bad. मैं सोच रही हूँ कि मैं बाली चली जाऊँ, है ना? What do you think? बीबी जी, वो खाना नहीं खा रही, अब वो रो रही है। हाँ तो क्या हो गया, ले जाओ खाना, कोई फिक्र करने की बात नहीं है, लड़कियां तो वैसे ही रोती रहती हैं, तो घबराने वाली कौन सी बात है। और आदिल, तुम्हें भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अरे वो लड़की है, उसकी शादी होने वाली है, उसकी फीलिंग समझने की कोशिश करो। लड़कियां शादी के मौके पर अक्सर इस तरह बेचैन हो जाती है, इट्स कॉल्ड कोल्ड फीट। कल उसका निकाह हो जाएगा, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, उसके अंदर एक ठहराव आ जाएगा। ये तीन लव्स कहने को तीन लव्स नहीं है, इससे बहुत ज्यादा मैच्योरिटी आ जाती है। तुम्हें पता है, जब मेरी शादी होने वाली थी ना तुमसे, मैं कितना रोती थी, और बशर मुझसे पूछता था कि भाई मैं शादी तुम्हारी मर्जी से करवा रहा हूँ, तुम्हारे कहने पे करवा रहा हूँ, तो फिर तुम क्यों रो रही हो? Really? लेकिन तुम क्यों रोती थी? Like I said, it's a mix of emotions. हर लड़की इस चीज से गुजरती है, इट्स नॉट अ बिग डील। अरे भाई, उनको डर होता है कि उनकी मर्जी, सब कुछ उनसे छिन जाएगा, उनकी आजादी चली जाएगी। और वैसे नए घर में, नए शख्स के साथ, एक नए माहौल में एडजस्ट करना आसान नहीं होता। इट्स नॉट विल बी फाइन। भाई, अपनी बेटी की कसम खाए, अपनी बेटी की कसम खाए कि आपको अपनी बहन की बदकिरदारी पर यकीन है। इंसान को कुछ ना कुछ अंदाजा तो होता है ना। एंड भाई, यू नो दिस, अब्बा ने मेरी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी और ना हमारे खून में कोई धोखा है। तो फिर मैं ऐसी लड़की हो सकती हूँ? ऐसी लड़की जो दो दो मर्दों के साथ दिल लगाती फिरे? Do you really think I'm like that, भाई? लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया ना, मैं सहती रही। मैं सिर्फ एक बात सोच के सह रही, तो कितनी क्यों सहती रही? क्योंकि मैंने सोचा कि मेरा भाई आएगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा अशर से, उसकी गंदी नजरों से, छुपते साए में छुपाएगा, मुझे बचा ले। So why aren't you protecting me, भाई?
Why aren't you believing your sister? आपको याद है हम जब छोटे होते थे अब्बा मेरे लिए बॉल लेके आए थे. You remember Malaysia से वो मल्टी कलर्ड वाला. You remember उस बॉल में मेरी जान थी. I loved it. And I always wanted to play with it. मैं किसी को नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो मेरा बॉल था. अब्बा वो मेरे लिए लाए थे मैं क्यों देती. और पूरे पार्क में किसी बच्चे के पास वैसा बॉल नहीं था. सबकी उस पे नजरें थी. Everybody wanted my ball. लेकिन मैं हाथ नहीं लगाने देती थी. You remember? एक दफा अब्बा वॉक करने दूर चले गए और मैं अकेली रह गई. और वो सारे बच्चे मुझसे बड़े थे. दरिंदों की तरह उन्होंने मुझे घेर लिया और मेरी बॉल मुझसे छीन ली. You remember मैं कितना रोई थी. अब आए और आपने उसकी खूब पिटाई की और आपने मेरी बॉल मुझे वापस दिलवा दी और आपने फिर पहना दिया ताकि आपकी रुदाबा आपकी बहन अपनी गेम के साथ खेल सके अपने प्रेशियस खिलौने के साथ खेल सके. भाई पुल्लंग वो प्रेशियस खिलौना है. बशर को बुलंद तैयबा के लिए पसंद आ गया है भाई. उसे बुलंद चाहिए अपनी बहन के लिए. लेकिन वो मेरा है. मोहब्बत का खेल ये गंदे इल्जाम. They're all because वो बुलंद को चाहते हैं. वो चाहते हैं कि मैं बशर के पास चली जाऊं और बुलंद खुद ब खुद आजाद हो जाए ताकि वो अपनी बहन की शादी उससे करवा सके. लेकिन ये सब तो बुलंद ने खुद देखा है. नहीं देखा भाई. It was a misunderstanding. बुलंद आए, मैं उन्हें मनाने जा रही थी. वो नाराज भी मुझसे बशर की वजह से हुए. रास्ते में अंधेरा हो गया भाई. मैं बशर के साथ टकरा गई. मैंने वो सब बातें बशर से कह दी और बुलंद ने देख लिया. और बशर को भी पता था कि वो बातें बुलंद के लिए. बल्कि मैं तो उनको मना ही इसलिए रही थी क्योंकि वो बशर की वजह से नाराज थे. अब्बा ने मेरी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी और ना हमारे खून में कोई धोखा. मैं ऐसी लड़की हो सकती हूँ? ऐसी लड़की जो दो दो मर्दों के साथ दिल लगाती फिरे? Do you really think I'm like that, भाई? लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया ना, मैं सहती रही. मैं सिर्फ एक बात सोच के सह रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरा भाई आएगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा, बशर से, उसकी गंदी नजरों से, छिपते साए में छुपाएगा, मुझे बचा ले. So why aren't you protecting me, Mike? Why aren't you believing your sister? Rudaba, good morning. उठो देखो तुम्हारे लिए क्या आया है. तुम्हारे निकाह का जोड़ा. Isn't it beautiful? I just love it. You slept in today. That's really good. क्योंकि शाम के निकाह के लिए तुम absolutely fresh दिखोगी. भाभी आदिल भाई कहाँ है? He's at work. आज भी? हाँ अब देखो ना उसको आज के दिन भी जाना पड़ा. क्या करूँ आज तो वो वक्त से पहले निकल गया. But you don't worry about it. You get ready, क्योंकि नीचे ब्यूटिशियन तुम्हारा इंतजार कर रही है. मैं उसको ऊपर भेजने वाली हूँ. Okay? My God, Rudaba, you have to see the jewelry का set. It's filled with diamonds and it's absolutely stunning. आदिल भाई कब आ रहे हैं? अरे आ जाएंगे. तुम आदिल भाई की फिक्र मत करो. Get ready, change करो. मैं उसको भेज रही हूँ. Okay? मैंने कहा ना तुम जाओ, तुम जाओ, तुम बस खामोश हो, बस खामोश हो, खामोश हो.
I'll handle everything. तुम्हारी मर्जी का फैसला करना मेरी जिम्मेदारी है। जिस तरह तुम अपनी फैमिली से मोहब्बत करते हो उस तरह मुझे भी अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत है। तुम्हारी तरह मेरा भी यही ख्याल है कि जिंदगी एक ही औरत के साथ गुजारनी चाहिए। एक ऐसी मंगनी जिसे करने वाला यहाँ मौजूद ही नहीं है। वापस आकर उससे शादी करेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको पता है इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, कितना परेशान किया मुझे। उन्होंने मेरे और बुलंद के बीच में इतनी गलतफहमियां क्रिएट की। बुलंद मुझसे नाराज होकर भाई अमेरिका चले गए। बचपना है उसके अंदर, कंफ्यूज है वो मुझे और बुलंद को लेके। क्योंकि एक तरफ वो लड़का है जिससे उसके बाप ने उसकी मंगनी की और एक तरफ मैं जो उसके दिल का फैसला है। कम से कम मुझे रोजाबा से तो बात कर ले। उसकी जिंदगी का बहुत अहम, हम सबकी जिंदगियों का अहम फैसला है। ये रिश्ते टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, ये बिजनेसेस अलग हो सकते हैं। हम दोनों वहीं पे आके खड़े हो सकते हैं जहाँ मैं तुम्हें जानता था और जानता हूँ मुझे। आज के दिन तुम यहाँ ऑफिस में क्या कर रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? कुछ नहीं, एक डिसीजन लेना है बस, उसी के बारे में सोच रहा। तुम आज यहाँ ऐसे बस तुम्हें ढूंढता यहाँ चला गया और मैं तुम्हें पा चुका हूँ। कैसा पाया? सच बताया तो जान से मार डालोगे। साले तू जानता है मैंने आज तक अपने हाथों से किसी की जान नहीं ली। तू तो जीते जी मार देता हाथ लगाए बगैर। माहिरा, लिसन एवरीवन, लिसन, तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि आज मेरा और आदिल की छोटी बहन रुदाबा का निकाह है। आज से मैं और ये दोहरे रिश्ते में आ जाएंगे। सो आज से इस खुशी में ये 50% के शेयर होल्डर बन गए, मतलब बराबर के पार्टनर। मैं इस मुल्क में हूं या ना हूं, जो भी फैसला आदिल साहब लेंगे आपको मानना पड़ेगा। इज इट ओके? ग्रेट। जिंदा है या मर गए? चल कोट पकड़ आ जा। Let's go. Baba, let's see her. Oh, ये क्या? तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? भाभी, भाई कब आ रहे हैं? वो तो आ गए। कब आए हैं? मुझसे क्यों नहीं मिले वो? अरे अभी थोड़ी देर पहले आए, लेकिन what's the problem? तुम्हें उनसे क्या काम है? बस बात करनी है मुझे उनसे। तो जाओ जाके बात कर लो, but he's sitting with Bashar. बच्ची है, बच्चों वाला दिमाग है, भी आ जाती है तो फिर आप मेकअप शुरू कर दीजिएगा। लेट मी सी दैट कल। कंपनी में बराबर की पार्टनरशिप, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आदिल भाई। आदिल भाई, मुझे आपसे बात करनी है। बशर भाई, आपको देखने का कितना अच्छा बहाना बनाया रुदाबा ने। नहीं, मैं अपने भाई से बात करना चाहती हूँ। बेटा, आप सब मैं आता हूँ। आदिल भाई, नहीं अभी। रुदाबा, चलो मैं आता हूँ। बेटा प्लीज जल्दी। बशर, जस्ट वन मिनट। आदिल भाई, आप इन लोगों को कब बताएंगे? सुबह से तैयारियां कर रहे हैं। आई एम रियली स्केयर्ड। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ब्यूटिशियन भी आ गई है, केटरर्स भी आ गए। प्लीज हमें जल्दी बताए ना।
भाई मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या कर रहे हैं बताएं लोगों को, मुझे डर लग रहा है। भाई अगर आपको अकेले बताने में प्रॉब्लम हो रही है ना तो आई गो विद यू, लेट्स बोथ टॉक टू देम, बहन भाई मिलके उन्हें बताते हैं। भाई प्लीज कुछ करें, स्टॉप बीइंग सो साइलेंट, मेरी किस्मत आपके हाथ में से बचा ले। बेटा मेरी किस्मत भी तुम्हारे हाथ में, प्लीज उसे बचा ले। क्या मतलब? मैं चाहता हूं कि तुम बशर से शादी करो।